एक गाना बजा हाँ। हाँ। कि रामा गजब ढाए चले पुर बैया सुनना कि रामा गजा बैठाए चले पुर बैया और नैया सवारो किते खोए हो खेवैया पुरवैया के आगे पुरवैया के आगे चले ना कोई जो अरे जैसे मनवा मनवा नाचे नाचे मनवा समझदार लोग हैं लिखो कल्पना लिखिए ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पाएगा राहुल ये पक्का है जो लाल मन कह गया सिर्फ सुनना इसको राहुल रास्ता नहीं पा रहा है देवों में महादेव है काम विजय निष्काम और काल स्वयं महाकाल है सत्य सदा शिव नाम सुनना कह रहा हूं कि पंचानन के भगवान बोले रात छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से रचित शरीरा गंभीर चिंतन दे रहा हूं यहाँ के विद्वानों को प्रणाम करते हुए और कह रहा हूं कि पहचान के पांच भाग हैं और पहचान से पांच राग हैं क्या बात है क्या बात है गुरु पांच भाग पांच राग वाह वाह और गिनिए भी अभी गिनिए अभी गिनिए हाँ भाई साहब अरे बिल्कुल देखते जाओ ये बड़ी कलाकार है हम लोग कभी इनके सामने लौंडे हैं ये हाँ जी बस दांत निकाले हो और कुछ न करे भैया कि पहचान के पांच भाग हैं और पहचान से पांच राग हैं बस एक राग पहचान से खाली है मुख चार माँ उमा के बस एक राग पहचान से खाली है मुख चार और करे पंचों की पंचायत पंचानन घर मा बिल्कुल चार चार पंचानन है गणेश पंचानन भोलेनाथ पंचानन माता भगवती पंचानन उनका वाहन पंचानन लाओ पांच छह छह आगे गिनती गिनो लाओ खड़ानन लाओ की ज्यादा ज्यादा उनके एक पुत्र हैं खड़ानन जिनके छह मुख है बिल्कुल बाकी और कुछ न लाए भाई कह रहा हूं बस एक राग पंचानन
से खाली है मुख चार और करे पंचों की पंचायत पंचानन घर माचा तो पंचानन शिव गौरी पंचानन शिव गौरी सुत पंचानन पे सवार क्या बात है शिवमुख से पांच रात श्री दीपक हिंडोल भैरव मालकोस पांच राग भी बता रहा और एक राग माता पार्वती से छह राग तो पंचानन शिव गौरी सुत पंचानन पे सवार हर कर पंचों की पंचायत पंचानन घर बस एक राग पंचानन से खाली है मुख चार अरे करे पंचों की पंचायत देखो घर में पंच चार यही उम्र के बस बस यही लिए फुदक रहे हो बस वही चार पंचों को लिए घूम रहे हो बहुत दिन हो गए अब इन पंचों को लिए एक काम करो तुम यहाँ से जब निकलना हमारे घर पे होते हुए चलना तुम्हारी पंचायत हम लोग ठीक से निपटा देंगे सुनेगा कुछ नहीं है आपके कटपीस में कुछ भी नहीं है बेमतलब का कटपीस है बस क्या मिला है लोगों को कुछ भी नहीं बेटा क्या दर्शा पाया है आपने अपने कटपीस में लोग को सुनने आए हैं ये रात्रि भर जागरण कर रहे हैं क्या सुनने के लिए बस पंच पंच बस राहु राहु कुछ लाने का कुछ लाने का प्रयास करिएगा हाँ। और आपने कहा कि आप छह लाना सुनेगा जवाब आदरणीय लाल मंजी फिर आपको लगा कि हम छह ला देंगे तो बोले वो उनके घर में एक और थे उनके भाई छह मुख वाले चलिए ठीक है सुनेगा जवाब सुनिए चूंकि ज्यादा अपनी बुद्धिता दिखाना सत्य बता रही हूँ कि शूर को दिया दिखाना है दीप दिखाना है मंच पर हमारे विराजमान दादा श्री रवि हंगामा जी बैठे हुए हैं और इनके आगे हम लोग क्या गाएंगे लाल मंजी बिल्कुल हम लोग आपने कहा हमने इनसे सीखा है कनक जनक जी ने गाया है वो राजकमल जी ने गाया है
सीताराम की जोड़ी ये वो। अच्छा, ये राजकमल ने पैदा किया था क्या? बताइए। इसके निर्माता राजकमल जी हैं। राम रामायण से लिया है, सीता भी मैंने रामायण से लिया है। ग्रंथ कोई किसी के नहीं होते हैं। ना बेटे, अगर होते हैं तो तुम भी ये गाना बंद कर दो। और क्या, क्योंकि पंचानन और भी लोग गा चुके हैं। बिल्कुल बेटे, बंद करो इसको। और राजकमल जी के सामने आज से 5 साल पहले हम यही गाए थे। क्या क्या है ये सब? ग्रंथ है तुम भी उसी से गा रहे हो, हम भी उसी से गा रहे हैं। लेकिन बेमतलब की जवाबी से खा रहे हैं। बस बेटे बस, खाम खाम का माठा बनाए घूम रहे हैं। बस चाय पी लो। चाय तुमको नहीं मिल रही क्या? इनको चाय नहीं, इनको डाई दे दो घोल के। फालतू की बातचीत कर रहे हो। वही चार पंच घूम रहे लिए। आइए, आपने सुंदर से छोटा सा प्रयास दे रही हूँ आगे कि पंचानन के विराजे भैया। अरे पंचानन को देखो, और अगर छठवां राग आ जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद है। सुनेगा सुने। अरे पंचानन को देखो हे पार्वती से राग। पंचानन को राग यानी स्नेह। सुनेगा सुनिए। अरे पंचानन को देखो हे पार्वती से राग। अरे पार्वती के मुख से निकला कौस की राग। आपने राग दिखाया, मैं भी माता भगवती के मुख से एक राग का प्रादुर्भाव करा रही हूँ। बहुत अच्छे बेटा। और आदरणीय लालमन भैया जी, सुनिएगा। सुनिए। ये कुछ नहीं है हमारे लिए, यो मानिए सुबह का नाश्ता है बस। ये सुनिएगा। अरे पंचानन को देखो हे पार्वती से राम। अरे पार्वती के मुख से निकले कौस के राम। बेहतरीन से कठपुतली का प्रयास रहा है। बहुत अच्छा बेटे।